है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा जेरी का हालत एंड मेरा पुचू का हालत। देखिए इनका कान का हालत देखिए, बहुत ही ख़राब हो चुका है। मतलब चूल्हा में जाके इन लोग वहाँ पर सो रहे थे, मैं इन लोगों को उठा के लेकर आया एंड आज रात को मतलब इन ये दोनों घर में नहीं जा पाया। सो जिसके कारण इनका हालत बहुत ही ख़राब हो चुका है। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं इनको कैसे बातिंग देता हूँ। फर्स्टली अभी मैं पुचू को बातिंग दूंगा, क्योंकि पहले मैं पुचू को ही बातिंग करवाता हूँ, उसके बाद मैं जेरी को बातिंग करवाता हूँ। एंड पुचू को मैंने पहली बार रेस्क्यू किया था एंड उसके बाद मैं जेरी को लेकर आया। सो हर काम मैं मतलब पुचू से स्टार्ट करता हूँ एंड अभी से मतलब पुचू का 3 बार बातिंग हो चुका है। आप लोगों को बातिंग करने समय आप लोगों को देखना है कि बिल्ली का एज 3 महीना हो चुका है या नहीं। मेरा जो कैट है इनका 3 महीना कंप्लीट हो चुका है। हाँ, 1 हफ्ता पहले ही इनका 3 महीना कंप्लीट हो चुका है। सो अभी मैं इनका हैबिट हो चुका है बातिंग करने का। सो अभी मैं इनको बातिंग दे सकता हूँ एंड बातिंग कराने से पहले आप लोगों को वो जो पानी होता है, पानी में मतलब हल्का सा गर्म पानी मिक्स करने से बहुत अच्छा होता है, तो बिल्ली मतलब इधर उधर घूमना फिरना नहीं करेगा। सो मैंने थोड़ा हल्का गर्म पानी मिक्स करके ठंडे पानी से उनको बातिंग दे रहा हूँ एंड आज बातिंग करवाने का कारण यही है कि ये बहुत मतलब रेड कलर्स में आ चुका है, क्योंकि इनका जो बॉडी है बॉडी में टोटली ख़राब हो चुका है। मतलब काली लगा के ये मतलब बैठ गए थे उधर। सो मैंने देखा, उसके बाद इनको मुझे लगा कि आज चलो बातिंग करवा दे एंड 15 डेज से ये बातिंग भी नहीं कर रहा था एंड ज़्यादातर बारिश हो रहा था हमारे इधर, तो हम लोगों का बिल्ली तो इधर उधर घूमता रहता है। सो पोटी टोटी करता है, इसके कारण बातिंग देना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके पहले मैं बता दूँ कि आप लोगों को बातिंग करने समय कान का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कान में अगर पानी जाएगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है बिल्ली के लिए। तो मैं कान में पानी मतलब नहीं जाना चाहिए। देखो मैं जो बातिंग दे रहा हूँ इसको, ये मतलब हैबिट हो चुका है मेरा बिल्लियों का। मेरा 2 बिल्ली है, इसका बातिंग लगभग कंप्लीट हो रहा है और एक जो है उनका भी मैं बातिंग दूंगा एंड बातिंग करवाने के बाद मैं इनको कैसे मतलब सुखाता हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग बस देखते रहिए एंड और एक बात मैं बताना भूल गया हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आप लोगों के फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आता है मेरे इस चैनल पर अबाउट कैट रिलेटेड्स। सो अभी मैं इनको बातिंग करने के बाद मैं इनको सुखाने के लिए हेयर ड्रायर यूज़ करूँगा, जो कि मेरा हेयर ड्रायर से ये 5 मिनट में सूख जाएगा। आफ्टर 5 मिनट, हाँ 5 मिनट ही लगता है सूखने में। तो देखो अभी ये कितना गीला हुआ है एंड और एक बात ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि अगर आप लोग बिल्ली को वैक्सीन नहीं दिया तो उनका जो मतलब नेल्स है उनके मतलब नेल्स है आप लोगों का कुछ जगह में कटे ना, अगर कुछ जगह में नेल्स है मतलब अट्रैक्ट हो जाए तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि रेबीज़ वैक्सीन देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने अभी तक इन दोनों को नहीं दिया, मैंने बैट के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया था एंड बैट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसने मुझे बोला कि हाँ 3 महीना हो चुका है और 1 हफ्ता बाद लेकर आओ। ये दिखने में बहुत ही छोटा है क्योंकि मैंने इसको रेस्क्यू किया था, इनका हाइट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। सो जिसके कारण वैक्सीन देने के बाद इतना ज़्यादातर नहीं बढ़ सकते हैं, इनका बॉडी पहले ग्रोथ होना चाहिए। सो जिसके कारण मैं अभी तक इनका वैक्सीन नहीं दिया। सो आफ्टर 7 डेज और 2 वीक्स मैं इनको वैक्सीन देकर लेकर आऊँगा, तो उसका भी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसे मैंने वैक्सीन मतलब देने के लिए ले जाऊँगा। तो मेरा इसका बातिंग करवाना कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी इसको मतलब क्या करूँगा, हेयर ड्रायर से इसका जो हेयर है सब ड्राई करके दूँगा। तो उसके पहले मैं मेरा टावल से इनका जो बॉडी है थोड़ा करके मतलब पोंछ लेता हूँ, उसके बाद मैं इनका जितना भी बाल है सब मैं ड्राई कर दूँगा। देखो ये बहुत भीग गया है, सो एक भी मतलब पानी का बूंद इसका कान में नहीं गया है। आप लोगों को ये भी मतलब ख्याल रखना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है।
मैंने इसको बहुत अच्छे से मतलब बाथिंग करवाया, एंड बाथिंग करवाने के बाद हेयर ड्रायर से मैं अभी इसको इनका जो हेयर है सब ड्राई करूँगा। देखो ये उधर उधर मतलब घूमेगा, क्योंकि आज से इनका 2 बार हेयर ड्रायर से मतलब हो रहा है। और एक बात मैं बताना भूल गया कि जब भी आप लोग इनका बाथिंग मतलब करवाना चाहते हो, उस दिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत ही सनलाइट होना चाहिए। अगर सनलाइट नहीं होगा तो आपका बिल्ली बीमार हो सकता है, सर्दी लग सकता है। सनलाइट में भी इनको सुखा सकता था, लेकिन मुझे मतलब आप लोगों को दिखाना है कि मतलब जल्दी कैसे सुखाना है हेयर ड्रायर से। सो आज बहुत ही सनलाइट है, धूप बहुत चल रहा है हमारे इधर, तो मैंने उसके बावजूद भी हेयर ड्रायर यूज़ किया ताकि ये बहुत जल्दी से सूख जाए। एंड मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जल्दी सूखने के बाद इनका बॉडी का कलर कितना अच्छे आता है। आप लोगों ने जो देखा, इनका हेयर का कलर बहुत ही ख़राब था, अभी जो आप लोग देखोगे इनका हेयर का कलर बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो आप लोग देखिए, मैं धीरे धीरे करके इनको सुखाता हूँ, सुखाने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। चलो इस तरफ घूमो। उनको बहुत ही ठंड लग रहा है, जिसके कारण मेरा पुचो अभी मतलब इधर नहीं घूम रहा है। पुचो देखो गाइस, इसको बहुत ठंड लग रहा है। एंड मैं जो हेयर ड्रायर यूज़ करता हूँ, इसमें 2 मोड्स है, एक हॉट एयर का एंड और एक कोल्ड एयर का। तो मैं अभी हॉट एयर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इनको ठंड लग चुका है, जिसके कारण हॉट एयर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर माई कैट। सो मैं इनको अभी हॉट एयर देकर ही मतलब ड्राई कर रहा हूँ। तो लगभग ये ड्राई हो चुका है, और एक मिनट लगेगा शायद, 1.5 मिनट लगेगा, उसके बाद ये फुलफिल्ली मतलब ड्राई होके आ जाएंगे। देखिए मैं इसको कैसे भी टच कर, ये कुछ नहीं बोलता है मुझे। इनका साथ मेरा जो बॉन्डिंग है, बहुत ही बॉन्डिंग हो चुका है। जब ये मतलब 10 दिन का था, मतलब 10 दिन का था, तब मैं इसको घर में लेकर आया, तभी से मैं इनका रेस्क्यू करके इसको मैं पाला पोसा। एंड उसके बाद मैंने इसको इतना बड़ा किया। देखिए गाइस, अभी ये पूरी तरीके से सूख गया है। एंड सूखने के बाद मैं इसको अभी हेयर नेकलेस जो मैंने इसके लिए बाय किया था फ्लिपकार्ट से, तो मैं उसको अभी पहना के दूंगा। तो देखिए ये मतलब पूरा पूरी सूख गया है, एंड मेरा करेंट भी चला गया है, तो जिसके कारण मैं उतना भी सूखा नहीं पाया। ये सूख ही गया है, तो अभी मैं इसका जो नेक बेल्ट है, मैं इसको लगाऊंगा। लगाने के बाद मैं आप लोगों को इसका पूरा दिखाता हूँ कि कैसा लगता है मेरा पुचू देखने में। एंड मेरा जेरी को मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि एक साथ वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड एक लाइक करना मत भूलिएगा। सो आप लोगों का बिल्ली का ख्याल रखिएगा कि कैसे उसको बातिंग करवाना है, कैसे केयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर केयर्स।